ओमपुरी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा सबसे पहले। नाना पाटेकर साहब साफ कहते हैं कि पहले देश फिर कलाकार, देश के सामने हम कलाकार खटमल मात्र हैं, ये उनके शब्द हैं। आप नाना पाटेकर की बात से क्यों अपने आप को जोड़ना नहीं चाहते हैं? श्रीमान अवस्थी जी, एक तो मैं आपको 15 मिनट से सुन रहा हूं, आप स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट देते जा रहे हैं, तो हमको काहे को कुर्सी से बांध के रखा है यार 15 मिनट से, जब आप ही को बोलना है, आप ही के आप चैनल से, आप अपनी भाषा में अपनी इंटरप्रिटेशन से बात करना चाहते हैं, तो हमें क्यों तकलीफ दे रहे हैं आप? आपका जवाब जानना चाहूंगा सर मैं। अगर आपको मेरा बोलना बुरा लगा तो मैं उसके आप साथ, चाहते हो कि हिंदुस्तान सुनेंगे कि नहीं? आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान पैलेस्टाइन और इसराइल बन जाए और सदियों तक लड़ता रहे? एक सदी तो हो गई है। ये सिर्फ देश का विभाजन नहीं है, सिर्फ जमीन का विभाजन नहीं है, ये परिवारों का विभाजन है। हमारे हिंदुस्तान में 22 करोड़ मुसलमान भाई रहते हैं, उनके रिश्तेदार उधर रहते हैं, पाकिस्तान के रिश्तेदार इधर रहते हैं, और दुनिया का दूसरे नंबर पे ये मुस्लिम कंट्री है। तो पुरी साहब, अगर पहले नंबर पे पाकिस्तान इंडोनेशिया, की तरफ दूसरे पे से हिंदुस्तान, प्रॉक्सी तीसरे पे वॉर चलता पाकिस्तान रहेगा आता तो वो है। जायज है क्या? ये क्या, ये क्या तुम प्रॉक्सी लोग वॉर सलमान चलता खान रहेगा तो वो सलमान खान जायज है क्या लगा रखी पुरी है यार? साहब? ये क्या क्यों सलाह? क्यों अच्छा क्यों जाइए देख बॉलीवुड, लीजिए, क्यों बॉलीवुड जो अलग भाषा अरे में बात कर जो रहा है? आपके क्यों जो क्यों सलमान जब खान कह आपकी रहे हैं कि आर्टिस्ट और सरकार, टेररिस्ट में अंतर नहीं होता, अंतर होता है? क्यों सलमान अच्छा खान इस तरह की छोड़िए बातें बात कर रहे हैं? छोड़िए, क्यों करण जौहर, महेश भट्ट आपकी अलग तरह की सरकार बातें पे कर रहे हैं? दबाव डालिए, सरकार से कहिए कि उनका वीजा कैंसिल करे। सलमान खान सलमान राग अरे कितने, आप फिल्म एक बार पहले फेटर्निटी के सुन रहा लोग तो हूं, बॉयकॉट कर सकते हैं कि हम नहीं काम करेंगे। क्यों फिल्म फेटर्निटी कहने में एक आवाज में कह क्यों पाती क्यों है? क्यों? मैं मजदूर आदमी हूं, मैं काम करूंगा तो काम करिए और मैं ना, स्टार नहीं हूं। आपको फिर काम काम करने के से लिए कौन कौन मना कर रहा रोका? है? आपको पाकिस्तान के कलाकारों की मैं क्या आपसे जरूरत है? ये क्या कह रहा हिंदुस्तान में हूं, टैलेंट क्या नहीं है क्या? आपकी, क्या आप अपनी सरकार पे जोर क्यों नहीं डालते कि उनके वीजा कैंसिल करो, वो उनको वापस करेंगे, वो भेजो? भी बढ़ रहा है, वो सरकार के भी पर जोर पड़ रहा है, हाँ वो तो तो सरकार पे जोर बोलिए पड़ आप। रहा है। लेकिन ओमपुरी नाना साहब, मैं साहब, आपसे पूछना नाना चाहता साहब, हूं, क्या ओमपुरी साहब आप तो इतने बड़े करेक्टर हैं, इतने सारे अवार्ड्स आपको जो मिले, भी पूरी अपोज कर रहे हैं कि ह्यूमिलिटी और उनसे, पूरे जो भी रेस्पेक्ट के अपोज साथ कर पूरी रहे साहब मैं हैं आपसे उनसे कहना चाहता हूं, कहिए कि मेरे एक सवाल सरकार का से जवाब दे कहे दीजिए कि पूरी उनके साहब। वीजे कैंसिल पूरी करके साहब, मेरे वापस एक सवाल भेजो, का मैं जवाब दे बताता दीजिए, हूं। और ये बहुत जरूरी है इस एक देश के हफ्ते लिए। से आप लोगों को और कोई मुद्दा ही नहीं मिल रहा। पूरी साहब, अगर मैं गलत मुद्दा उठा अरे रहा हूं तो आगे मुझे बढ़ो, फांसी पर लटका दीजिए। पहली आप तो बहुत पहली बड़े एक्टर हैं अरे ना, पहली बार आप इस हमने देश बदला दिया के है लोगों तुमने से बोल के, के, सरकार के बोल के मुझे उसी में फांसी ना पर लटकवा हो। दीजिए अगर मैं गलत मुद्दा उठा रहा हूं। पर मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। एक सैनिक जो अपनी 30 से 40 साल की जिंदगी बॉर्डर पर गुजारता है, जिसको महीना का 30,000 रुपए की पगार मिलती है, आप उसके समय पूरे 40 साल की नौकरी की तनख्वाह जोड़ लीजिए तो भी 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए नहीं होती है। बड़े बड़े एक्टर एक एक फिल्मों में काम करने के 10 10 करोड़, 12 12 15 15 करोड़ रुपए लेते हैं, और फिर वो कहते हैं ऐसे वक्त में जब मरो और मरो मारो की स्थिति है, पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए, वो एक्टर टेररिस्ट नहीं होता, कलाकार सबसे अलग होते हैं। अरे पहले हम हिंदुस्तानी तो हैं कि बना लो पहले हम कुछ ना, और हैं? बना लो, अरे बना लो पैलेस्टाइन और इसराइल, पड़ोसी हो। बना तो हुआ है, 70 सालों बाद से क्या साहब हो अगर, रहा है? अरे 70 सालों साहब से ये क्या हो रहा है देखो, पूरी अरे साहब? 22 करोड़ मुसलमान भाई हैं यहाँ, भड़काओ मत उनको। भड़काने कोई नहीं भड़का रहा है किसी को, भड़काने की आप क्या बात भड़का है रहे इसमें? हैं, आप जैसे लोग भड़का रहे हैं। पूरी साहब, आई एम सॉरी तमीज टू से छोड़िए, दिस, इस देश में तमाम अब बहुत मुसलमान कुछ हो भाई गया देश के है। साथ खड़े हैं, देश के फौजियों के साथ खड़े हैं, पर हाँ बॉलीवुड लोग जो जिसको ये लोग हाँ इमिटेट करते हैं, जिनको हीरो मानते हैं, वो लोग जब इस तरह की बातें करते हैं तब जनता में भड़काव आता है। सॉरी टू से पूरी साहब, और आप लोग सॉरी कैसी कैसी घटिया फिल्में बना के पाकिस्तानियों पे थूकते रहे हो, बेशर्माओ। आप क्या कर रहे हैं पूरा बॉलीवुड में, क्या हो रहा हिंदुस्तान है? आपकी क्यों क्यों फिल्में, फवाद खान को नहीं बोलते हैं? आपकी हाँ क्रिटिसाइज करिए अरे मुझे फक्र है, पूरी का, मुझे क्यों फक्र नहीं है, कहते मुझे माइक को, क्यों नहीं मैंने कहते जो अली काम जाफर को, किया। क्यों नहीं कहते राहत साहब को कि अरे हिंदुस्तान के आवाम के साथ चुप खड़े रहो, हो? आपकी उरी जब, का, उरी को आपकी क्रिटिसाइज जब करो, फिल्में कोई, बारामूला को क्रिटिसाइज करो। कल एक जवान आप मारा गया, 24 साल का लड़का, इटावा का लड़का, 24 साल का मार दिया गया गोली से, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? कौन हाँ जिम्मेदार है पूरी साहब? हमने उसको फोर्स किया था कि फौज में जाओ, तो तो वो बताओ कौन जाएगा क्या बात फिर? कर रहे फिर हो आप आप फौज में जाएंगे? जाने आप से, मेरा अच्छा थापर साहब, हमें, आप थापर सुना रहे साहब का थे, खून हम खोल बड़ी, रहे हैं आपकी बात सुन के। आप बड़ी आपकी मेरा इज्जत करते परदादा थे, फौज में था, बड़ी मेरा इज्जत करते पुता थे, फौज में लेकिन था, ऐसी बात वो सुन बर्मा के में लड़ा था। शर्म आती है क्या? हम बात हथियार सत्य रख है दें? आपके कहने पे आ गया क्यों? हथियार साहब रख कहां दें क्या? कहां किसने बोला, किसने बोला हथियार रख दें?
क्या बोल रहे हैं? कर्नल थापर बात कर रहे हैं आपसे पूरी साहब, कर्नल थापर जिन्होंने अपना बेटा करगिल में खोया, हम सबके लिए शहीदों के विजय था। ये मुद्दा ही नहीं है जिसपे आप बहस कर रहे हैं पंडित जी। पूरी साहब कीजिएगा, पूरी साहब अपनी घर की, पूरी साहब बाप, पूरी साहब उस बहादुर शहादत को आपने तौहीन की है कि किसने कहा था बंदूक उठाए, बताइए। ऐसे बात करेंगे आप इतने बड़े कलाकार? ये जो आपने नाम बताए, इनमें से पूछा जाए कितने इनके रिश्तेदार फौज में थे कभी भी, ताकि वो अथॉरिटी के साथ बात तो कर सके कि जवान हथियार उठाए या ना उठाए। पूरी साहब आपसे पूछ रहे हैं, कर्नल साहब फौज में, मेरा बाप फौज में था, उसका नंबर था 1952-87। और उसके बाद भी आप ये बोल रहे हैं? पता नहीं उसके बाद भी आप ये बोल रहे हैं कि उस फौजी को किसने कहा था कि शामिल हो जाए फौज में, बंदूक उठाए? वो हमारी रक्षा करने के लिए वहां पे था, बीएसएफ के जवान यादव साहब। हाँ तो हम तो क्या कर रहे हैं? अरे इज्जत से बात करिए पूरी साहब, रिस्पेक्ट हिम प्लीज, हमें उन पे गर्व है। हाँ ऐसे बोलिए ना बात, ये वैसे बोलिए ना, हमें ऐसे बोलिए। अरे आपके आप बहुत बड़े एक्टर हैं, आपके बहुत बड़े लोग फॉलोअर हैं, आपकी बातें सुनकर लोगों का दिल टूटता है। चुप रहिए आप मुझे चुप करा रहे हैं? आप बोलिए आप क्या सोच के बोल रहे हैं पुरी साहब, आप सोच के बोलिए आप क्या बोल रहे हैं, आप पल पल में अपना बयान बदल रहे हैं प्लीज। पुरी साहब ये पूछ रहा हूँ, आप चाहते हो क्या? अरे नहीं पुरी साहब, क्या बीच में टोकते हो? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप चाहते हो कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान इजराइल और पैलेस्टाइन बने? मैं बोल रहा हूँ पुरी साहब, दोबारा बोलता हूँ, तीसरी बार बोल रहा हूँ कि इजराइल और पैलेस्टाइन बने हुए हैं। इस बात की क्या गारंटी है कि फवाद खान और ओमपुरी और मीरा खान या अमिताभ बच्चन या करण जौहर या कोई भी मिलके भारत पाकिस्तान को एक कर देंगे 70 साल पहले वाला? इन 70 सालों में क्या किया है? हम आपका सम्मान में क्या किया है? हम आपको एक अच्छा कलाकार समझते थे, आपने तो पूरे देश की नाक बिल्कुल, हम बहुत इज्जत करते थे, इस तरह की भाषा का ऐसी बात कर रहे हैं, हम लोग बहुत देर से सुन रहे हैं। मैं बताता हूं, मैं परिचय कराता हूं, आप हमारे सैनिकों का अपमान कर रहे हैं, एक पाकिस्तानी कलाकार के लिए, आप एक सलमान खान के लिए जो पाकिस्तानी कलाकारों का समर्थन करता है, आप उसके साथ काम करना चाहते हैं, आप उसके साथ पैसा कमाना चाहते हैं, इसलिए पूरी फौज को, पूरी सेना को आप क्या आप साबित क्या करना चाहते हैं? आप अच्छे कलाकार थे लेकिन आप एक गंदे इंसान है, आप जैसा घटिया इंसान हम लोगों की गर्दन को झुकाता है, हमारे सर को झुकाता है, और आप जैसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए, आपको अपने दिमाग का इलाज कराने की जरूरत है। आप मुसलमानों की बात करते हैं, आप फिलिस्तीन की बात करते हैं, आप इसराइल की बात करते हैं, आप समझते क्या हैं? अरे हिंदू और मुसलमान को झगड़ा लगाने का काम आप जैसे लोग करते हैं, आपको ये याद दिलाने की जरूरत क्यों पड़ी कि यहाँ पे 22 करोड़ मुसलमान है? क्या हम जानते नहीं है कि इस देश में 22 करोड़ मुसलमान है? और क्या हम जानते नहीं है कि इस देश के उस देश के साथ संबंध है? लेकिन उस देश के लोग आतंकवादी बनके हमारी सेना को मार रहे हैं, हमारे लोगों को मार रहे हैं, मुंबई में हमला करते हैं, आप मुंबई में घर पे कोई बम फेंकेगा तब आपको चलेगा क्या? या तभी आपको समझ में आएगा? एक शहीद की शहादत को ओमपुरी जैसा व्यक्ति नहीं समझ सकता है तो कौन समझेगा? अरे ओमपुरी साहब, हम तो आपको संजीदा समझते थे, आपने मेरे देश की गर्दन झुका दी है, शर्म आनी चाहिए, और मुझे आगे से शर्म महसूस होगी कि ओमपुरी जैसा कलाकार मेरे शहर मुंबई में रहता है। अरे सेना को समझो, आपके तो पिताश्री सेना में थे, फिर भी आप सेना को नहीं समझ रहे हो, आप इस देश को समझना नहीं चाहते, आपने पता नहीं फिलिस्तीन और इजराइल कहां से समझ लिया है, आपको गृह युद्ध दिखाई दे रहा है, यहां देश पे हमला हो रहा है, यहां सेना पे हमला हो रहा है, आप किस तरह की बात करते हैं मिस्टर ओमपुरी साहब? आपको देश को समझने की जरूरत है, और इस तरह की नालायक सोच की मेरे देश को जरूरत नहीं है मिस्टर ओमपुरी साहब। बागी सारस्वत एमएनएस के नेता, एक मिनट, मेरे पास और गेस्ट भी है, उनके बात करता हूं। पुरी साहब अगर आप बोलना चाहते हैं, जवाब देना चाहते हैं बागी सारस्वत का, तो 30 सेकंड है आपके पास, मेरे पास और पैनलिस्ट भी हैं, आप जवाब देना चाहें तो आप दे दीजिए। मैं 20 सेकंड में जवाब दूंगा आपको। आप यहाँ 10 15 20 25 जितने भी हिंदुस्तानी तैयार कर सकते हैं, जो अपने शरीर पे बम बांध के पाकिस्तान में जाके कुछ उड़ा फुड़ा के आए, तो उन्हें तैयार कर दीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत क्या जवाब दिया पुरी साहब, क्या जवाब दिया आपने, उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं क्या ओमपुरी साहब? आप उठे जा रहे हैं डिबेट से, हमारे देश के अंदर ऐसे लोग भी रहते हैं ओमपुरी साहब, पैसे के लिए बिक गए बिल्कुल। ओमपुरी साहब को उठ के जाना पड़ा इस डिबेट से,
क्योंकि अब मैं माफी के साथ ओम पुरी का मैं बहुत इज्जत करता हूं एज एन एक्टर, बट एज ए ह्यूमन बीइंग आज इन्होंने जो ह्यूमन बॉम्ब्स हैं, पाकिस्तान के ह्यूमन बॉम्ब्स हैं, इनके हीरो हैं। बिल्कुल वही तरीका सिखा रहे हैं। हाँ, ह्यूमन बॉम्ब बन जाइए, सुसाइड बॉम्बर बन जाइए, फिदाइन बन जाइए। ओम पुरी के शब्द आईबीएन 7 पर इस वक्त की ये बड़ी खबर है। ओम पुरी जैसा बड़ा कलाकार फिदाइन तरीके से बात करने की बात पैरवी करता है।